दिन ही चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा रहा है और आज उस सत्र का पांचवा दिन है। मैंने ये पूछा है कि जो पद रिक्त है व्याख्याता के, वहाँ अभी शिक्षा कौन दे रहा है, वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो रही है, इसकी जानकारी दे। शिवरतन भैया, शिवरतन भैया मंत्री उत्तर दे देगा। सुने ना भैया, मांगे अध्यक्ष जी मंत्री उत्तर दे। उत्तर दे रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें केवल पॉइंटेड प्रश्न ये है कि जो पद खाली है अभी शिक्षा व्यवस्था वहाँ की वर्तमान स्थिति में क्या है और कौन पढ़ा रहे, इतना ही तो मंत्री जी को बताना है। तो वही तो मैं पॉइंट नहीं बताना चाहिए आप माननीय अध्यक्ष मंत्री जी को जवाब बता रहे हैं। जवाब बार बार खड़े होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ये है कि जो रिक्तियां होती रहती हैं, पॉइंटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं आपके रिटायरमेंट हो गया तो वृत्ति होती रहती है, उसकी पूर्ति के लिए आपके अतिथि शिक्षक हैं उनकी उसे व्यवस्था हो रही है, परोन्नति से उसकी भी व्यवस्था हो रही है। ये नहीं कौन पढ़ा अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक जहाँ पर पद रिक्त है वहाँ पर अतिथि शिक्षक विषय बार उसको पढ़ाई कर रहे हैं। कुलदीप जी ने अंतिम प्रश्न, मान्य अध्यक्ष एक अंतिम प्रश्न मैंने पूछा है, मान्य अध्यक्ष मैंने पूछा है कि 5 साल से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पे कितने व्याख्याताओं की नियुक्ति दूसरे विभागों में हुई है, आपने जवाब दिया है निरंक। माननीय मंत्री जी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ 4 से 5 नाम की जो 10-10 साल से प्रतिनियुक्ति पे है, विभाग ने आपको गलत जानकारी दी है। गलत जानकारी देने वालों पे और जो प्रतिनियुक्ति है उसको आप समाप्त करेंगे क्या? मैं आपको नाम दे दूंगा, आप बोले तो अभी पढ़ देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के दूसरे विभाग में किसी प्रकार की कोई प्रतिनिधि पे कोई नहीं है। मैं आपको नाम दूंगा, आप जांच करके कार्रवाई करेंगे। कर देंगे, कर देंगे। मैं नाम दूंगा, जांच करके कार्रवाई करेंगे, आप बता दीजिए। कुलदीप जुनेजा, सौरभ सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि एक उद्योग के ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया है और जिले में जितना है उसका आधा से ज्यादा उसी उद्योग के ऊपर बकाया। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि उपरोक्त उद्योग के ऊपर केएसके महानदी संयंत्र, कई नामों से उन्होंने अपना दिया है करके, इसके ऊपर जो पैसा बकाया है डाइवर्सन टैक्स का, इसकी वसूली का क्या प्रयास किया गया अभी तक और पूरी वसूली कब तक कर ली जाएगी? माननीय उद्योग अध्यक्ष महोदय, केएसके और वर्धा पावर प्लांट दो नामों से इनका टैक्स बकाया है आपका 3,49,10,447 रुपया केएसके और 1,49,70,280 रुपया वर्धा। दोनों ही फर्म को जो जमीन अलॉटमेंट हुई है उसमें आपका दोनों मिला के इनका